जय हिंद ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगाया था जिसमें हमने देखा था कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनता है और साथ ही साथ जो है साझेदारों के पूंजी खाता भी हमने बनाया था और वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था समझा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जो है केवल एक थोड़े से लंबे क्वेश्चन को ले आएंगे जिसमें हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना होगा। थोड़े से टर्म्स भी इधर उधर रहेंगे ताकि आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर समझ में आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको समझना रहेगा और इसके बाद की वीडियोज़ में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ यही लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाता को बनाना जो है अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसमें उसे साझेदार का पूंजी खाता नहीं समझ में आया, तो आने वाली वीडियोज़ में लगातार यही सब चलने वाले हैं तो सारी चीज़ समझ में आएगा और जब तक सभी बच्चों को ना समझ में आए तब तक हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ते। हमें पूरा यकीन है कि हम जब तक अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे ये वाला चैप्टर का ये टॉपिक जब तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक हम पूरा यकीन के साथ लगा सकते हैं कि जो भी बच्चे शुरू से अंत तक देख रहे हैं लाइन बाय लाइन देख रहे हैं उनका पूरा समझ में आएगा। इसलिए जो भी बच्चे अच्छे तरीके से अकाउंटेंसी की क्लास करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेंगे और इसके साथ साथ रेगुलर वीडियो देखने के लिए एक भी वीडियो ना छूटे इसके लिए आपको हमारा जो है व्हाट्सअप चैनल का यहाँ पर QR कोड है इसको स्कैन करके व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप जो है अच्छे तरीके से अपनी क्लास को रेगुलर देख सकें और साथ ही साथ चैनल से संबंधित कोई भी सूचना हो वो आपको टाइम पे मिल पाए तो इसके लिए भी आपको जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं हमारे साथ क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं तो हम आपको वहाँ पर होमवर्क्स देते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक बात, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू किया जाए कि आज हमारा क्या है। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन को यहाँ पर बताने वाले हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अभी आपको हो सकता है आप दूसरे किताब से पढ़ रहे हैं, हम किसी दूसरे किताब से क्वेश्चन ला रहे हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन टॉपिक वही है। किसी भी राइटर की किताब से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं न्यूमेरिकल सीखते हैं तो आप अपने अपने किताब के भी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा पाएंगे, अच्छे तरीके समझ पाएंगे क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करा देंगे, सभी बुक के सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है कि मनीष और गिरीश ये दो लोग क्या है के साझेदारी संलेख में निम्नलिखित की व्यवस्था, यानी ये दोनों साझेदार हैं, इनका एक साझेदारी संलेख है और इसमें ये चीज़ें दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर दिया है कि लाभ का विभाजन बराबर अनुपात में होगा। ठीक है, यानी कैसे बराबर अनुपात, मतलब 1:1, यानी अगर हम बोलें मनीष का तो वो भी 1/2 और गिरीश का तो वो भी 1/2, इस तरह से इनको लाभ हानि बटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, दूसरा बता रहा है कि मनीष को प्रति माह 4000 वार्षिक जो है 4000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, प्रति माह 4000 रुपये का वेतन दिया जाएगा किसको, मनीष को। ठीक है, तो 4000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा, तो हमने बताया था ना वेतन कैसा लिखते हैं, पूरे साल भर का लिखते हैं, एक महीने का वेतन नहीं लिखा जाता है क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाता जो बनता है या साझेदार की पूंजी खाता भी जो बनता है वो साल के अंत में बनता है, उसमें जो हिसाब किताब होता है वो पूरे साल का होता है, बात समझे। तो 4000 रुपये पर मंथ यानी हमारा जो है एक साल का कितना, तो एक साल का हो जाएगा 4000 × 12, एक साल में 12 महीना होता है, यानी टोटल 48000। ठीक है, 48000 रुपये हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, 48000 जो है इसका वेतन होगा, किसका, मनीष का। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हमारा आगे बता रहा है जो गिरीश है। ठीक है, गिरीश जो कि विक्रय विभाग का ध्यान रखता है, ठीक है, मनीष जो है किसी प्रकार का और काम कर रहा है, गिरीश जो है विक्रय विभाग का ध्यान रखता है, यानी माल को बेचने से संबंधित उसके सारे के सारे गतिविधि देख रहा है, ध्यान रखता है, उसे शुद्ध लाभ का 10%। ठीक है, उसे शुद्ध लाभ का 10% यानी 10% जो है कमीशन के रूप में मनीष का वेतन घटाने के बाद दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पर इसको 10% का लाभ होगा, ठीक है, 10% का लाभ का जो कमीशन मिलेगा, शुद्ध लाभ होगा उसका 10% का जो कमीशन मिलेगा वो कैसे लाभ पे मिलेगा, तो मनीष का वेतन घटाने के बाद के लाभ, यानी जहाँ भी शुद्ध लाभ दिया होगा इस क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा, जहाँ भी शुद्ध लाभ होगा उसमें से मनीष का वेतन घटा देंगे। मनीष का वेतन कितना है, 48000, 4000 मत सोचिएगा, 4000 तो पर मंथ का, पूरे साल भर का कितना, 48000, तो जितना भी आपका लाभ होगा उस लाभ में से 48000 जैसे हम लोग घटाएंगे तो जो बचेगा उस बचे हुए भाग पर ही आपको 10% कमीशन लगेगा, वो मिलेगा गिरीश को। ठीक बात, यही यहाँ पर बता रहा है कि गिरीश जो कि विक्रय विभाग का ध्यान रखता है उसे शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के रूप में मनीष को वेतन घटाने के बाद दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगला बात क्या बोल रहा है, अगला बात बोल रहा है साझेदारों को उनकी स्थायी पूंजी पर 7% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट यहाँ पर कितना बताया, 7%, तो जो भी पूंजी होगा उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% लगेगा, और कैसी बोला है स्थायी पूंजी पर, यानी इस बात का क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो पूंजी खाता बनेगा वो स्थायी पूंजी खाता विधि से बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया, पूंजी खाता किस विधि से बनेगा, स्थायी पूंजी खाता विधि से, यानी इसमें स्थायी पूंजी खाता में क्या बनता है, एक पूंजी खाता बनता है, दूसरा साझेदार का चालू खाता बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया, 7% के दर से क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक बात, ये भी क्लियर हो गया। फिर आगे बता रहा है साझेदारों से उनके वार्षिक आहरण पर 5% की दर से ब्याज लिया जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, साझदार जो भी आहरण करेंगे, जितना भी रुपए का आहरण साझदार करते हैं, उन सभी आहरण पे आपको जो है 5% का जो दर दिया है उतना पे इनसे क्या किया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी हमें पता चल गया कितना है, 5%। ठीक बात, क्लियर है, ये दो बात समझ में आएगा। फिर इसके बाद बता रहा क्या है, फिर इसके बाद बता रहे मनीष एवं गिरीश कि स्थायी पूंजी क्रमशः 1,00,000 तथा 80,000 रुपये है। ठीक बात, क्लियर है, मनीष का जो है 1,00,000 रुपए की पूंजी है और गिरीश का जो है 80,000 की पूंजी है। तो इसी 1,00,000 पे जो है आपको 7% निकालेंगे, यानी 7,000, ये हम हो गया मनीष का क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा 80,000 का 7% निकालेंगे तो 8×7=56, यानी 5600, ये हो जाएगा किसका, दूसरे वाले गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, उनका वार्षिक आहरण क्रमशः 16,000 एवं 14,000 था। अब देखिए, आहरण भी दे दिया, आहरण पे 5% का दर है। ठीक है, तो 16,000 मनीष का होगा, तो मनीष का 16,000 16×5=80, यानी हमारा जो है 16×5=80 यानी 800। ठीक है, 800 हमारा किस पे जाएगा, 800 मनीष का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, और 14×5 कितना होता है, 14×8=14×56=14×5=70, 7,000 सॉरी 700 जो होगा वो गिरीश का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरह की सारी चीज़ें दिया हुआ है, कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं, आगे जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो फटाफट कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा। ठीक बात, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आगे क्या बताता है, आगे देखिए, आगे बताता है कि 31 मार्च 2021 को अंत में फर्म का शुद्ध लाभ 80,000 रुपये है। ठीक है, पूरे फर्म का जो लाभ है वो कितना रुपये है, शुद्ध लाभ 80,000 रुपये। इसी शुद्ध लाभ पे कमीशन दिया था, ठीक है, लिखा है इसी शुद्ध लाभ पे आपको जो है 10% कमीशन था, ये लिखा है कि शुद्ध लाभ का 10%। लेकिन इस कमीशन को देने के लिए एक बात का जो है टर्म्स बताया हुआ है कि मनीष का वेतन घटाने के बाद वाले शुद्ध लाभ पे, यानी 80,000 पे नहीं लगेगा, बल्कि 80,000 में से इसका वेतन कितना 48,000 उसको घटा देंगे, तो जो बचेगा उस पे 10% लगेगा, वो कमीशन बनेगा। क्लियर बात, समझ में आया यहाँ तक। आगे क्या बोल रहा है, आगे बता रहा है यहाँ पे, हाँ आगे बता रहा है कि फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए, बस ये बनाना है, फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता हमें तैयार करना है। बाकी नीचे आंसर दिया और संकेत दिया, तो वो सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक बात, क्लियर है, ये बात समझ में आएगा, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आया, अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं, बड़ी आसानी से हमारा ये सारी चीज़ें हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग को जो बनाना है, क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को बनाना है। ठीक बात, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक बात, ये हो गया, डेट क्या होता है, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, और साल के अंत का डेट लिखा जाता है। क्या डेट है साल के अंत का, 31 मार्च 2021, जो लाभ का डेट है 31 मार्च 2021। ठीक है, 31 मार्च 2021 ये हमारा डेट हो गया। ठीक, चलें, फॉर्मेट ड्रॉ होगा, चार कॉलम होगा। ठीक है, चार कॉलम होगा, जैसे जैसे फॉर्मेट बताया जाता है वैसे वैसे आपको जो है फॉर्मेट बनाना है। इधर हो गया डेबिट, इधर हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है, इधर हो गया हमारा अमाउंट, यहाँ पर हो गया रुपए का सिंबल, यहाँ पे हो गया पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हो गया अमाउंट, रुपए का सिंबल और क्रेडिट। ठीक, क्लियर बात, सबसे पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में क्या लिखते हैं, याद करिए फॉर्मेट, इसीलिए हम फॉर्मेट आप लोगों को याद कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, शुद्ध लाभ लिखते हैं, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो हम लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट है भाई, तो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पर 80,000 रुपए का क्वेश्चन में। ठीक है, शुद्ध लाभ 80,000 का था। ठीक है, फिर इसके बाद इधर क्या लिखते हैं, फिर इधर लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, आहरण पर ब्याज, ये दो चीज़ें लिखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो साझदार है उनका नाम लिख देंगे, हमारे साझदार का पहला नाम है मनीष। ठीक बात, और दूसरे का नाम है गिरीश। अब देखिए, मनीष का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, तो मनीष ने जो इंटरेस्ट ड्राइंग निकाला था वो निकाला था 16,000, मनीष का ड्राइंग था 16,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट था 5%, तो 5% निकालेंगे हम लोग 16,000 का, 16,000 हो गया उसका, हम लोग को निकालना है 5%। ठीक है, तो लास्ट के दो जीरो कट गए ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद गुणा कर दिया 0×6=30 के जीरो, हाथ से लगा 3 और 5×1=5, 3×8 800 रुपये। ठीक है, तो इसका हमारा कितना हो गया, मनीष का 800। ठीक, इसी तरह हम लोग गिरीश का निकालेंगे, तो गिरीश का हमारा जो था वो था 14,000। ठीक है, तो 14,000 का हम लोग को 5% निकालना है, 14,000 का 5%, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, फिर 0 5×20 के 0 हाथ से लगा 2 5×1=5, 2×7
यानी 700, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर हो गया हम लोग का 700। हमने वैसे भी आपको जो है कैलकुलेशन बताया था, ठीक है, और 8 × 7 = 15, टोटल 1500 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक। क्रेडिट में यही दो चीज़ आता है, बाकी सारी चीज़ें डेबिट में जाने वाली आइटम है ना बात। अब हमारे डेबिट में क्या जाता है, तो डेबिट में हम लोग का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, सैलरी जाता है, कमीशन जाता है, साझेदारों का, यही सब जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है सैलरी लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे टू सैलरी, किसका सैलरी था, तो यहाँ पर सैलरी ऑफ मनीष, ठीक है, मनीष का सैलरी था कितने रुपए का, 4000 रुपये पर मंथ, पूरे साल भर का 48000 निकाले थे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग कमीशन लिख देंगे, किसको कमीशन मिलना था, गिरीश को, तो हम लोग लिखेंगे टू कमीशन ऑफ गिरीश, कितना कमीशन था, शुद्ध लाभ का जो है 10%, ठीक है, शुद्ध लाभ का 10%, लेकिन कौन सा शुद्ध लाभ का, उस शुद्ध लाभ का जिसमें से वेतन घट चुका है मनीष का, ठीक है। तो टोटल हमारा जो शुद्ध लाभ था वो 80000 था, ठीक बात। तो हमारा 80000, इस 80000 में से हम इसका वेतन हटा लेंगे, किसका, मनीष का। मनीष का वेतन कितना है, 48000, 80000 में से 48000 चला गया तो बचा कितना, तो हमारा बच्चा 30 तो ऐसे ही ऐसे हो गया, फिर उसके बाद 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, और इसके बाद जो है 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, यही ना बात समझ में आया, यानी हमारा बचा 32000। अब इस 32000 का हमें कितना परसेंट कमीशन लेना है, तो यहाँ पर लिखा है कमीशन 10%, ठीक है, तो 10%, तो 32000 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 00 ऐसे ऐसे कट गया तो आया हमारा 3200, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कमीशन कितना हो गया, 3200, बात क्लियर हो गया, समझ में आया अच्छे से, यहाँ तक बातें हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने सैलरी लिख लिया, कमीशन लिख लिया, फिर इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर जाता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कौन कौन है, तो मनीष है और फिर गिरीश है। तो मनीष की पूंजी कितनी है, उस पर जो है उसका ब्याज लगेगा, तो मनीष की पूंजी जो है हमारा 1,00,000, ठीक है, मनीष की पूंजी कितनी है, 1,00,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 7, तो 1,00,000 का 7% सबको पता है कितना हो जाएगा, 7,000, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7,000। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद दूसरे साइड देखिए, दूसरा हमारा देखेंगे तो हमारा 80000 है, किसका, गिरीश का कैपिटल, उस पर 7% निकालेंगे तो 8×7=56 होता है, ठीक है, कितना हो गया, 8×7=56 होता है, यानी 5600 इसका हो गया, दोनों जोड़ दिया गया तो यहाँ पर 600 हो गया, और 7×5=12,000। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, तो भाई हमारा जितना क्वेश्चन में जो जो आइटम था वो सारी चीज़ें हमने डाल दिया, लाभ हो गया, कमीशन हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीज़ें इसमें जो जो चीज़ें हमारे जाना सब हो गया। तो अब हमें क्या करना है, पीएलआई प्रोविजन में बस इतना ही जाता है, अब हमें जो है विभाजन योग्य लाभ निकालना है, यानी बैलेंस निकालना है, और फिर उसे जो है लाभ हानि अनुपात में बांट देना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, तो इधर जोड़ेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, तो कितना हो जा रहा है, 81500 क्रेडिट साइड जोड़ने में 81500 हो गया, ठीक है, और डेबिट साइड जोड़ लीजिए, तो डेबिट साइड अगर हम लोग जोड़ें तो हमारा जो 48 और 3 51 हो गया, 51 और 2 हमारा 53 हो गया, 53 10 हमारा 60, 63 हो गया, ठीक है, 63800 हमारा जो है इधर हो रहा है ना बात, 63800 हमारा इधर हो रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, आपको पता है क्या आंसर होगा, लाभ होगा, ठीक है, आंसर जो है लाभ हो गया, बात समझ में आ गया, कितने का लाभ हो रहा है, तो 0 0, और 15 में से जो है 8 गया तो 8×7=15 यानी 700, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 10 में से 3 गया तो फिर से 7 बचा, और यहाँ पर 17700 जो है यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक बात, कितना आ रहा है, 17700 ये हमारा लाभ आ रहा है। तो हम लोग लाभ के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कौन से खाते में जाएगा, तो भाई स्थायी पूंजी खाता बना था ना, तो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, समझ में आ रहा है, चालू खाता में लाभ जाएगा क्योंकि स्थायी पूंजी यहाँ पर था, बात समझे, यहाँ पे स्थायी पूंजी विधि बना था, इसलिए ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट जाएगा, ना कि कैपिटल, ठीक है, हमने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है, कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक बात, करेंट अकाउंट में जाएगा। और कौन कौन से साझेदार है भाई, तो हमें पता है एक साझेदार का नाम है मनीष और दूसरे साझेदार का नाम है गिरीश, ठीक बात, एक साझेदार का क्या नाम है, एक साझेदार का नाम है मनीष और दूसरे साझेदार का नाम है गिरीश, कितना किनको इनको लाभ मिलेगा, तो लाभ और हानि जो है बराबर अनुपात में बटेगा, ठीक है, बराबर अनुपात, यानी 17700 को हम आधा कर लें, ठीक है, तो आधा करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, 17700 को हम लोग आधा करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कट करें तो कितना, 2×8=16, फिर कितना बचा,
एक और सात, फिर दो आठ है 16, फिर कितना बचा, एक और जीरो, दो पाँच दस और फिर जीरो, 8,850 रुपये हमारा यहाँ पर आया। ठीक है, तो 8,850 हमारा मनीष में गया, 8,850 हमारा गिरीश में गया, दोनों मिला के 17,700 का हमारा लाभ हो गया। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग खाता बंद कर लेंगे 81,500 करके। ठीक है, टोटल हमारा हो गया कितना, 81,500 से यहाँ पर खाता बंद हो गया। बात क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो है लाभ हानि नियोजन खाता बनके तैयार। ठीक, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इतना जान गए कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनता है। आने वाली वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन लाया जाएगा जिसमें पूरा काम किया जाएगा, यानी फिर से अगली वीडियो में हम लोग जो है लाभ हानि नियोजन खाता भी सीखेंगे और साझेदारों के पूंजी खाता भी बनाना सीखेंगे। स्थायी विधि से सीखते क्या है, तो अब हम लोग किस विधि से सीखेंगे, अब हम लोग परिवर्तनशील विधि से सीखेंगे, या फिर अगली क्वेश्चन को ही हम ऐसा देखेंगे कि स्थायी पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि दोनों से विधि से बना दिया है। और ऐसे करके ज़्यादातर टाइम तो वैसे परिवर्तनशील पूंजी विधि ही होता है, तो आगे जो है एक दो क्वेश्चन और लगेगा और फिर हमारे एक दो टॉपिक इस चैप्टर के बचे, वो टॉपिक पढ़ा के चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। तो हमने बोला था 4-5 वीडियो उतने में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।